मैच जिसका तमाम भारतीयों को लंबे समय से इंतजार था, यानी कि वर्ल्ड कप का फिनाले। और आज फिनाले में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया है। आपको बता दूं कि ठीक एक बार और 2003 में भी यही स्थिति थी, और इस फिनाले को लेकर इस बार तमाम भारतवासियों में अलग उत्साह है। सुबह से ही तमाम लोग जो है अपने घरों में बैठ गए हैं पूजा पाठ करके कि आज भारत जो है वो हमारा वर्ल्ड कप का ये फाइनल मैच जीतेगा। आपको बता दें कि आज छठ महापर्व भी है, लोगों का ये भी कहना है कि मैच जीतने के बाद हम दीपावली मनाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ किंग्स पेट्रोलियम में, और आपको बता दूं कि यहाँ पर एक बड़ी सी LED स्क्रीन लगाई गई है और यहाँ पर मैच का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। किंग्स पेट्रोल पंप में आपको यहाँ पर हम साफ तौर पर दिखा सकते हैं, कोपल किंग्स ऑर्गेनिक की ओर से ये एक कार्यक्रम किया गया है। तमाम अलग अलग जगहों पर शहर में जो है इस तरह से कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर देखे जा रहे हैं, और काफ़ी संख्या में लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है। आइए हम लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि इस मैच को लेकर उनका क्या कहना है, क्योंकि सभी ने साफ तौर पर जिस प्रकार से लगातार भारतीय टीम परफॉर्मेंस देते आ रही है एक से बढ़कर एक, उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस बार वर्ल्ड कप जो है वो हमारे हिस्से में आएगी। आइए वर्ल्ड कप को लेकर क्या सोच है हम बातचीत करते हैं विस्तार से। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और साथ ही साथ झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह, हम उनसे बातचीत करते हैं। आज वर्ल्ड कप को लेकर पूरे भारत में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर हम धनबाद की बात करें तो आपने भी अपने पेट्रोल पंप पर एक बड़ी सी LED टीवी लगाई और काफ़ी लोग आ रहे हैं, क्या लगता है कि अभी आने वाले जो अगले कुछ घंटे हैं उसमें क्या फैसला होने वाला है, लोगों के अंदर क्या एक्साइटमेंट है? इंडिया जीतेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हालांकि जितनी अपेक्षा थी रनों की वो अपेक्षा शायद पूरा नहीं हुआ है, तो भारतीय जनमानस जो है इससे थोड़ा सा निराशा जरूर भारतीय जनमानस को हुआ है। लेकिन बॉलिंग लाइन हमारा बहुत मजबूत है, और ख़ास करके अभी जिस प्रकार से शमी, जडेजा, सिराज, बुमराह, इस तरह का बॉलिंग हमारे पास है, तो ऑस्ट्रेलिया को भी मुसीबत होगा। 240 रन जिस प्रकार से ये पिच है, पिच में बॉल जिस तरह से रुक के जा रहा है, स्लो जा रहा है, बॉल इसमें टर्न भी हो रहा है, रिवर्स स्विंग भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें भारतीय बॉलरों को भी फायदा मिलना है। तो 240 रन का टारगेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी इतना आसान नहीं है, तो अभी देखा जाए। लेकिन हमें तो पूरा विश्वास है कि इंडिया इस वर्ल्ड कप को जरूर जीतेगा, और आप देख ही रहे हो कि छठ है, हम लोगों के यहाँ छठ चल रहा है, छठ की पूजा चल रही है, तो छठ पूजा के कारण लोग अपने पूजा में व्यस्त हैं। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे बड़ा पर्दा लगा करके लोगों को एक वर्ल्ड कप जो आप मान सकते हैं ना कि हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप हो रहा है और हमारा देश जो है फाइनल खेल रहा है, तो लोगों में भी काफ़ी उत्साह है इस मैच को लेके। और मैं तो यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इंडिया इसको जीते, विक्ट्री। बिल्कुल, तो सभी के अंदर यही एक्साइटमेंट है कि इंडिया इस बार जीतेगी। आप बताइए कि कौन है आपके फेवरेट प्लेयर, किनको सपोर्ट कर रहे हैं? इंडिया के मेरे फेवरेट प्लेयर हैं विराट कोहली, और उम्मीद उनसे अच्छा थी, वो बाय मिस्टेक आउट हो गए, वरना अभी जवाबदेही आ गया है बॉलर पर। हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया के पास जिस तरह से अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं कि ऑस्ट्रेलिया को ये रन रेट इसमें रोक देंगे और इंडिया जीतेगी। हम दुआ भी करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि आज इंडिया जीतेगी, क्योंकि हमारे पास बॉलर्स अच्छे अच्छे हैं और उन्होंने इस वर्ल्ड कप में साबित किया है कि हम अच्छे हैं, तो इंडिया जीतेगी। आइए कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करते हैं। आप देखिए अभी जिस प्रकार से यहाँ पर हम देख सक रहे हैं कि एक इनिंग पूरी हो गई, दूसरी इनिंग में आपको किस प्लेयर से ज़्यादा उम्मीद है? देखिए हमारे पास बहुत अच्छा स्पिनर्स है, हमारे कुलदीप जी, कुलदीप यादव और बुमराह और सिराज के साथ साथ जो अभी जो हमारा मोहम्मद शमी जो अभी पिछले कुछ मैचों में किया है, उम्मीद है और बहुत अच्छा उनको आज मिलेगा और हमारा भारत जीत रहा है। मेरा इंडिया जीत रहा है, जीत रहा श्रीलंका को एशिया कप में हराया था, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया को भी हराएगा।